Hello everyone, today we are going to see the next video on CSS. In our previous video we have seen basic introduction about CSS. In that we have seen what is CSS and what are the types of CSS. Today we will see about class and ID. This is one of the most important topic in website designing. So let's start with that. Initially, we will see few basic things, theory related with CSS about class and ID, and then we will start with the program. So, हम लोग देखते हैं, तो CSS, ID and class. So, CSS, ID and class क्या है? So, in addition to setting a style for HTML element, CSS allows you to specify your own selectors called ID and class. The ID selector. The ID selector is used to specify a style for a single unique element. The ID selector uses the ID attribute of the HTML element and is defined with hash. The style rule below will be applied to the element with ID para. ID selector jo hota hai usko hum log ek to specify a style for a single unique element. मतलब एक particular element को एक style देने के लिए हम लोग ID को use करते हैं. ID selector uses the ID attribute of the HTML element and is defined with the hash. तो हम लोग hash symbol से ID को define करते हैं. एक program करने वाले हैं जिसमें कि मैं ID tag का use ID का use करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या किया और बाद में हम लोग दोनों को अलग अलग देखेंगे तो मैं अगर एक प्रोग्राम लिखूं HTML head style text oblique CSS. Style type is equal to text oblique CSS. Now, this is style tag. इसमें क्या लिखना है मैं बताता हूँ अभी बॉडी है हम लोग पहले बॉडी का पार्ट लिख लेते हैं बॉडी में हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक h1 टैग लिखता हूँ h1 में लिखता हूँ वेलकम टू टेक्स्ट psuonix टेक्स्टियोनिक्स हियर वी लर्न प्लेटफॉर्म of website design after that we will close body tag and we are going to close html tag close kiya abhi kya karna style mein kya likhna hai hum logon ne to main kya karunga ki mujhe इसमें दो टैग यूज किया बॉडी में h1 एंड p तो मैं h1 को मुझे स्टाइलिंग देना है तो मैं आईडी नाम दे दूंगा उस आईडी का नाम दूंगा मैं para1 अभी आईडी को हम लोग स्टाइलिंग दे देंगे उसमें जो चीज हम लोग मेंशन करेंगे उस वे से ये हमारा वेलकम टू टेक फिनिक्स प्रेजेंट होगा वेब पेज के ऊपर तो क्या करना है हैश para1 उसके बाद इसके अंदर मैं दो चीज डिमेंशन करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर रेड इसको मैंने क्लोज किया और मैं सेव कर लेता हूँ इसको मैं नाम दे देता हूँ css3a.html इसका आउटपुट चेक करते हैं एंड देन
मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या एग्जैक्टली हम लोगों ने सिस्टम इज बिट स्लो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम टू टेक फिनिक सेंटर में आ गया है और ये जो लाइन है वो एज इट इज लिखी हुई है। अभी प्रोग्राम के साथ हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे उसके अंदर है क्या। तो दो कंटेंट आने चाहिए बॉडी के अंदर, हमारे दो कंटेंट है, एक है वेलकम टू टेक फिनिक्स, वेलकम टू टेक फिनिक्स आ गया, बाद में हेयर वी लर्न डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट्स, तो वो आ गया। अभी क्या है, तो जो पहला लाइन हेडिंग है उसको मैंने डिफरेंट स्टाइलिंग देनी है, तो मैंने क्या किया उसके अंदर एक आईडी डाल दी, आईडी इज इक्वल टू पैरा वन। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा पैरा वन के अंदर वो सारे के सारे चीजें इस पे इंप्लीमेंट होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर में हम लोग आईडी लिखते हैं तो हैश पैरा वन टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर रेड, तो ये जो आईडी है पैरा वन वो एच वन में लिखा हुआ है, उसको हमने वेलकम टू टेक फिनिक्स नाम दे दिया है जो कि सेंटर में है और रेड कलर में है। तो ये जो चीजें हम लोग इसमें लिखी है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई। तो दिस इज अबाउट आईडी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्लास। द क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। Unlike the ID selector, the class selector is most often used on several elements. This allows you to set a particular style for any HTML elements with the same class. The class selector uses the HTML class attribute and is defined with dot. In example below, all HTML elements with class is equal to center will be center aligned. पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं। The class selector is used to specify style for a group of elements. मतलब बहुत सारे elements हैं, उनको हमें एक style देना है, तो हम लोग class के through style दे सकते हैं। Unlike ID selector, the class selector is often used on several elements. अगर single element पे apply करना है तो ID use करेंगे, अगर several elements पे apply करना है तो class use करेंगे। This allows you to set a particular style for any HTML elements with the same class. लेट्स अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लास भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसी एग्जांपल में मैं चेंज करता हूं, क्या किया मैंने यहां पे मुझे H1 जो टैग के अंदर मैंने वेलकम टू टेक फिनिक्स लिखा एंड पैराग्राफ टैग में जो मैंने सेंटेंस लिखा, इन दोनों को मुझे सेम फीचर्स देने हैं, सेम चीजें होनी चाहिए दोनों के साथ। तो मैं क्या करूँगा उसको मैं क्लास के साथ भी दे, क्लास इधर लिख दूंगा और बाद में यहाँ पे क्लास, दोनों को मैंने क्लास दिया और उनका नाम पैरा वन दे दिया। हम लोगों ने थ्योरी बताया उसी में मैंने सेंटर बोला हुआ है, तो यहाँ पे मैं नाम सेंटर कर देता हूँ इसको, ये सेंटर है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, सेंटर दे दिया। अभी मेरे को स्टाइल वाला जो टैग है उसके अंदर मुझे क्लास को डिफाइन करना है, तो क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग डॉट सेंटर से डिफाइन करते हैं, डॉट से डिफाइन करते हैं, सॉरी सेंटर से नहीं, और आईडी जो रहता है उसे हम लोग हैश से डिनोट करते हैं। मैंने इसको सेव किया, अब इसको मैं रन करता हूँ, जब मैं रन करूंगा इसका आउटपुट चेक करते हैं, बाद में प्रोग्राम के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो H1 टैग था मेरा, H1 टैग में वेलकम टू टेक फिनिक्स था तो हेडिंग की तरह अपीयर होगा, वो हेडिंग की तरह अपीयर होगा, बट वो सेंटर अलाइन होना चाहिए, वो कैसे मालूम पड़ा, तो मैंने क्लास जो था उसको वहां पे क्लास दिया और उस क्लास को मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। बाद में दूसरा जो पैराग्राफ टैग है, हियर वी लर्न डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये जो लिखा हुआ है इसको भी मैंने क्लास दिया सेंटर करके, और इस सेंटर के अंदर टेक्स्ट अलाइन किया है, कलर किया है रेड, तो यहाँ पे देख सकते हो आप टेक्स्ट अलाइन किया है और कलर किया है रेड, तो दोनों के दोनों जो है
टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गए और दोनों का जो कलर है फॉन्ट कलर वो रेड कलर है। तो इस वजह से मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर आपको कोई चीज देनी है, फीचर्स देने हैं, स्टाइलिंग देनी है, तो हम लोग क्लास का यूज करेंगे, और सिंगल एलिमेंट को अगर हमें कोई स्टाइलिंग देनी है तो हम लोग आईडी को यूज करते हैं। आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं और क्लास जो होता है उसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। और ये जो नाम रहता है, ये नाम जो आपने क्लास को दिया हुआ है वो नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड लिखोगे तो आपको एक्स वाई जेड यहाँ पे देना पड़ेगा। जो मेन हमारा जो जो सेंटेंस है जो अपियर होने वाला है टेक्स्ट इसके ऊपर वेब पेज के ऊपर, वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, और जो हमें क्लास आईडी है वो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। दिस इज द प्रोसीजर। यहाँ पे हम लोगों ने हेड टैग को क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग हेड टैग को क्लोज भी कर सकते हैं। दिस इज अबाउट आईडी एंड क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।